हाँ बताइए, पर्स कहाँ गिरा था, कैसे गिरा था? हम जैसे हम वहाँ पे बैठे हुए थे और पापा उधर से आए थे एक ग्रीन कलर के टोटो से, और यहाँ पे जैसे ही उतरे तो उनको ध्यान नहीं था कि जैसे गिरने वाला है उनका पर्स, और वो ध्यान में नहीं था और वहाँ उधर चले गए, और पापा फिर पापा वहाँ पे गए और फिर वहाँ से कुछ सामान खरीदे ठीक, और फिर पैसे जैसे ढूंढने लगे तब फिर वो सैलून के अंकल के साइकिल से गए और मार्केट तक ढूंढने गए, लेकिन उधर उनका नहीं मिला था। तब फिर जब आज उनको पता चला कि यहाँ पे उनका पर्स यहाँ पे था। हाँ चलिए ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, कैसे आए पर्स वाले आपके पास? पर्स वाले अभी तुरंत आए मेरे पास पर्स मांगने के लिए, उनको किसी ने कॉल किया था कि पर्स आप ही पास गिरा है, तो हम बोले बताएं। हाँ बोले वीडियो देख के कॉल किया, स्टोरी से है ना? हाँ, उनके दोस्त लोग परिजन लोग फोन किए। हाँ ये जाके पर्स अपना ले लीजिए, पता बता दिए, दे दिए पर्स, पर्स दिए नहीं अभी, देने जा रहे। तो देखिए यही उनका बेटा है, आइए सामने आइए, यही उनका बेटा है और पर्स में जो पैसा है ये दुकान वाले जो हैं वो देखिए लौटा रहे हैं। और तो कैसा लग रहा है पैसा लेने के बाद? अच्छा लग रहा है, थैंक यू अंकल। पैसे नहीं, हाथ में हाथ में लगा। क्या लगा था कि पर्स मिलेगा ऐसा? हमको ऐसा तो नहीं लगा था। जनरली होता है कि इतना पैसा जब रहता है तो लोग लौटाते नहीं है, लेकिन आज प्रयाग जनरल स्टोर में जो रहते हैं अजीत जी ने पर्स लौटाया। पहले तो वीडियो हम लोगों ने डाला, तो वीडियो डाल के इटखोरी के एक लोग ने अजीत जी को कॉल किया कि आपका शायद ये पर्स जो है ये कहीं पे गिर गया है दुकान में, वीडियो देख के। फिर वो अपने बेटा के साथ आए हैं और जो बेटा है बता रहा है कि सैलून में वो गया था बाल कटाने पापा के साथ और पापा ने पर्स गिरा दिया था, और फिर फाइनली वीडियो देख के वो यहाँ पे आए हैं। अब उनके हाथ में पर्स चला गया है जो पैसे के साथ पूरा, एक भी पैसा नहीं निकाला है। तो देखिए किस तरह से ईमानदारी आज भी जिंदा है और इंसानियत जिंदा है। तो अच्छा मैसेज जा रहा है, स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। किस स्कूल में? माउंट एमाउंट स्कूल में। किसी का पर्स अगर पाओगे तो क्या करोगे फिर? हमको अगर उनको वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा उसमें तो कोई अंकल से उन पर फोन करके बता देंगे, और क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहेगा तो स्कूल काउंटर पे दे देंगे उसको पर्स, जो फिर अंकल आएंगे ढूंढने तो सर लोग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यही है एक अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में कि अगर किसी का ये पर्स गिरता है तो उससे पर्स वाले को लौटा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं इनका होना भी चाहिए, इनका कई